नजर को इतना प्यार भी मत कर कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तुझे मन चाहे चीज पाने की, तो हिम्मत भी दिखा कुछ कर दिखाने की। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ, जो कि सैमसंग का फोल्ड मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है हाफ शूटिंग का। जब हम डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर 46 करीब करीब करंट, डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है और पूरा मोबाइल डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो केस है उसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बहुत सारे टेक्नीशियन जो है प्रॉपर बेस पे नॉलेज नहीं रखने के हिसाब से जो प्रॉब्लम कुछ और होता है और समझ रहे हैं कुछ और होते हैं और बाद में उस हिसाब से उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो सामने प्रॉब्लम नहीं आता है और उल्टा ना दूसरा कोई प्रॉब्लम है वो जनरेट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक केस स्टडी है जिसके अंदर हमारी प्राइमरी बेस में हाफ शॉटिंग का इश्यू है, जो कि मेरे लिए ये फुल शॉट है लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन के लिए ये हाफ शॉट है, जो कि डीसी मशीन में बैटरी कनेक्टर पे अगर वोल्टेज देते हैं तो डायरेक्ट करंट 46 जितना ले रहा है तो इस हिसाब से ये हाफ शॉट बनता है। लेकिन यहाँ सप्लाईओं की नॉलेज नहीं होने की वजह से, लाइनों की नॉलेज नहीं होने की वजह से यहाँ टेक्नीशियन है वो प्रॉपर ये फॉल्ट को फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इस केस स्टडी को आप पूरा देखिए और इसके अंदर समझिए कि प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करना होता है, डायग्नोस कैसे करना होता है, मल्टीमीटर से हमें क्या किस तरह से उसको चेकिंग करनी होती है। तो ऐसे ही एक केस है जो आपके सामने मैंने सोल्व करके बताया हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगे तो आप एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें हौसला दे रहे हैं स्पीड से जल्दी से वीडियो बनाने का। तो आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके इतना जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो बस यही है कि एक छोटा सा प्यारा सा एक पॉजिटिव कमेंट आप जरूर लिख के जाइएगा। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे ही नई केस स्टडी के साथ। फिलहाल आज के लिए इस केस स्टडी को आप देख लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग SM F900। ये मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है, ये वो बोर्ड डेड है। मेरे पास जो मुझे कस्टमर ने दिया था तब ये बोर्ड पूरा डेड कंडीशन में दिया हुआ था। तो मैंने जब इसके अंदर ओपन किया, खोला और उसमें देखा तो इसके अंदर हमारे बैटरी कनेक्टर पे ये हाफ शॉटिंग जितना करंट कंज्यूम कर रहा है, जबकि इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है शॉटिंग का। तो आइए हम जानते हैं कि इसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम है और हम ऐसे केस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इस मोबाइल को पहले ही मैंने ओपन करके रखा हुआ था, फॉल्ट को मैंने ट्रेस किया हुआ है। जस्ट आपके लिए एक केस स्टडी बनाना था, इसलिए इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ से ये इसका बैटरी कनेक्टर है। इस बैटरी कनेक्टर पे हमें वोल्टेज देना है और देखना है कि हम डीसी मशीन में देखते हैं कि कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए हम एक बार इसको हम डीसी मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने डीसी मशीन ऑन कर लिया है। अब हम एक बार इसको यहाँ इसके केबल से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम ये देखिए, मैंने केबल को कनेक्ट किया है। अभी यहाँ आप देख सकते हो 0.046 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। डीसी मशीन की डिजिट में आप देख सकते हो, देखिए ये 46 मिली एम्पियर डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। मैंने कोई अभी पावर की प्रेस नहीं की है, फिर भी ये करंट कंज्यूम कर रहा है। एक बार मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ, देखिए पावर की प्रेस करने के बाद इसमें कोई डिजिट है, ये करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है आगे। तो इस तरह से ये डीसी मशीन में डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। और जब मेरे पास ये प्रॉब्लम आया था और डीसी मशीन में मैंने कनेक्ट किया और ये डायरेक्ट करंट कंज्यूम किया, तो बाद में मैंने इसके अंदर ट्रेस किया तो इसके अंदर जो बैटरी कनेक्टर पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन हमारा बैटरी कनेक्टर का जो लाइन होता है ये हमारे प्रोटेक्शन आईसी के अंदर
जाता होता है, जो कि हमारी चार्जर आईसी की तौर पे प्रोटेक्शन आईसी काम कर रही होती है, जिससे हमारा सिस्टम वोल्टेज बनता है। वो सिस्टम वोल्टेज में हमारे फुल शॉर्टिंग है, जिससे हमारी प्राइमरी लाइन बैटरी की लाइन है वो हाफ शॉर्टिंग जैसा कंडीशन में हमारा करंट कंज्यूम कर रहा होता है। तो एक बार हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर ये लाइन कहाँ शॉर्ट है और किस तरह से इसको हमें सोल्व करना है और कौन सा पार्ट शॉर्ट है। तो चलिए, इसके लिए बोर्ड को हम पहले इसकी बॉडी से अलग कर लेते हैं। ये देखिए, इसका मदरबोर्ड उसकी बॉडी से मैंने अलग कर लिया है। अब इस मोबाइल में जो हमारा वी सिस्टम लाइन है वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट बता रहा है, तो मैं आपको एक बार इसका रीडिंग चेक करवा देता हूँ। तो उसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, मल्टीमीटर को मैंने अभी डायोड रेंज में सेट कर लिया है और इस मोबाइल के अंदर जो शॉर्टिंग का इश्यू है इस मदरबोर्ड में, ये यहाँ VPHV पावर की जहाँ जहाँ लाइन जा रही है वो सब कंपोनेंट ग्राउंड के साथ है, वो बीप शो कर रहा है। यहाँ ये कंपोनेंट शॉर्ट है, देखिए यहाँ भी बीप आ रहा है, इस साइड भी बीप आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ कंपोनेंट है ग्राउंड के साथ बीप आ रहे हैं, और इस साइड अगर हम देखें तो हमारा जो VPHV पावर की लाइन है, जैसे कि देखिए यहाँ भी शॉर्ट है, ये कैप भी है यहाँ शॉर्ट बता रहा है। देखिए ये भी शॉर्ट बता रहा है। और जब मैंने इसके अंदर VPHV पावर पे इस लाइन पे जितने भी लाइन पे शॉर्ट बता रही है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, वहाँ मैंने जब वोल्टेज दी है DC मशीन से, तो हमारे DC मशीन में वोल्टेज देने के बाद यहाँ कोई पार्ट्स हीट हो रहा है, तो यहाँ कौन सा पार्ट्स हीट हो रहा है एक बार हम यहाँ रोजिन लगा के देखते हैं कि इसके अंदर हमारा यहाँ कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो उसके लिए हम इसमें रोजिन लगा देते हैं। जहाँ मुझे हीटिंग महसूस हो रही थी वहाँ मैंने रोजिन लगा दिया है। अब हम DC मशीन से उसको वोल्टेज देंगे। हमारा 4.2 वोल्टेज मैंने DC मशीन 3 एम्पियर्स पे सेट किया हुआ है। एक प्रोब को हम ग्राउंड करते हैं, ये कॉयल जो ग्राउंड के साथ बीप आ रही थी, इधर हम वोल्टेज देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ बीच में एक छोटा सा कैप जो है वो अंदर से हीट हो गया है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये जो कैप है वो शॉर्ट है। एक बार ये कैप को हम इसकी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए, इस कैप को मैंने इसकी बॉडी से अलग कर लिया है, देखिए। और एक बार मैं यहाँ इसको क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने उसका कैप निकाल दिया है। अब हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमारा जो शॉर्टिंग था उसका रीडिंग सही से हुआ है या क्या है। तो सबसे पहले हम DC मशीन से ही बैटरी पे वोल्टेज दे के देखते हैं कि जो करंट डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा था, ये अभी डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, मैंने अभी DC मशीन को ऑन कर लिया है और एक बार इसके अंदर हमें इसके कनेक्टर पे हमें वोल्टेज देना है और देखते हैं कि हमारा जो
शॉर्टिंग का इश्यू था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं? ये देखिए मैंने डीसी मशीन को कनेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हो डीसी मशीन में अभी कोई भी टाइप की करंट कंज्यूम नहीं हो रही है, जबकि पहले यहाँ वोल्टेज देने से ये डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा था। तो उसके मुताबिक हमारा शॉर्टिंग है वो यहाँ से अभी नॉर्मल हो गया है। एक बार हम इसका जीआरबी चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर में। देखिए अभी हमने मीटर को ऑन कर लिया है, जो हमने पहले इधर चेक किया था इधर भी पा रहा था, यहाँ फॉरवर्ड बायस रीडिंग 1000 से ऊपर आ गई है और इसका रिवर्स बायस रीडिंग देखिए ये 250 से ऊपर हो गया है। पहले यहाँ शॉर्टिंग आ रही थी और इस साइड भी हम देख लेते हैं। हमने पहले देखा था इस कॉइल पे, देखिए यहाँ अभी जो इसका रीडिंग है ये रीडिंग अभी सही हो गया, ये इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग है, जबकि ये इसका रिवर्स बायस रीडिंग है। तो रीडिंग के मुताबिक हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है। तो एक बार हम अपने मोबाइल को उसकी बॉडी से फिट करके देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए फिर से इसकी बॉडी से इस मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने इसको डिसेंबलिंग कर लिया है, अब हम एक बार इस मोबाइल के अंदर चार्जर लगा के देखते हैं, क्योंकि शायद इसके अंदर बैटरी लो होगा। ये मैंने चार्जर लगा दिया है और ये देखिए ये मोबाइल अभी चार्जिंग इंडिकेट आ गया, यानी कि हमारा जो डेड कंडीशन में जो प्रॉब्लम था ये अभी सॉल्व हो चुका है। बैटरी शायद 0% होगी, इसलिए थोड़ा उसको परसेंटेज शो करने में टाइम लगेगा। तो कभी भी आपके पास अगर डेड बोर्ड आए और हमारा जब प्राइमरी लाइन पे बैटरी कनेक्टर पे हाफ शॉर्टिंग जितना रीडिंग होता है या फिर डीसी मशीन में इतना करंट कंज्यूम को होता है, लेकिन ये रियल में हाफ शॉर्टिंग नहीं होता है, ये हमारा वीपीएचवी पावर यानी आफ्टर प्रोटेक्शन जो शॉर्ट सर्किट हो जाती है तब हमारे मोबाइल के अंदर इस तरह से बैटरी पे हाफ शॉर्टिंग जितना करंट लेता है, रियल में ये फुल शॉर्ट होता है। तो आपको उस टाइम बैटरी पे वोल्टेज ना देके हमारा जो सिस्टम वोल्टेज होता है वहाँ वोल्टेज देके आप ये प्रॉब्लम होए ऐसे ये सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ी देर इस तरह से वेट करते हैं, देखते हैं हमारा परसेंटेज यहाँ शो कर रहा है कि नहीं। ये देखिए अभी इसकी बॉडी को मैंने यहाँ इसको फिट कर दिया है। आपको इसका बॉडी यहाँ से सही से फिट करना ज़रूरी होता है, अगर आप ये फिट नहीं करते हो तो उसमें एक वायरलेस थर्मल इसके पैड में होता है, वो कनेक्ट नहीं होने से टेम्परेचर की एरर आती है। अब हम एक बार फिर से चार्जर लगाते हैं और चार्जर लगा के देखते हैं कि चार्जिंग परसेंटेज शो करता है कि नहीं। ये देखिए 1% चार्जिंग परसेंटेज शो करने लगा है। एक बार पावर की प्रेस करके देखते हैं मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए मोबाइल अभी ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आपके पास कभी अगर डेड बोर्ड आए और इसके अंदर डायरेक्ट करंट ले रहा हो तो इस तरह से आप उसका वीपीएचवी पावर की रीडिंग देखते हुए अगर वीपीएचवी पावर में लाइन में यानी वी सिस्टम लाइन में शॉर्टिंग है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।